Hey guys, I am Munirul and you are watching another video of MR Badwan. भारत का एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहां 42 साल तक कोई भी ट्रेन नहीं रुकी। जब कोई भी ट्रेन इस रेलवे स्टेशन से गुजरती थी, तब ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन को रोकने की जगह ट्रेन को और तेज भगाने की कोशिश करता। लोगों में इस रेलवे स्टेशन को लेकर इस कदर खौफ था कि जब ट्रेन इस रेलवे स्टेशन से गुजरती थी, तब ट्रेन में बैठे सभी लोग ट्रेन की खिड़की और दरवाजा पूरी तरह से बंद कर लेते थे और रेलवे स्टेशन गुजरने के बाद राहत की सांस लेते थे और उसके बाद ही ट्रेन की खिड़की और दरवाजा खोला जाता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि उस रेलवे स्टेशन में कोई काम नहीं करता था, बल्कि जब कभी भी कर्मचारियों की नियुक्ति इस रेलवे स्टेशन पर की जाती तो कुछ ही दिनों में वहां से कर्मचारी भाग जाया करते थे। धीरे धीरे उस रेलवे स्टेशन का माहौल ऐसा हुआ कि कोई भी कर्मचारी वहां काम नहीं करना चाहता था। यहां तक कर्मचारियों का ऐसा कहना था कि हमें अगर जबरदस्ती वहां काम पर भेजा गया तो हम काम छोड़ देंगे, लेकिन वहां काम नहीं करेंगे। आखिरकार जब रेलवे प्रशासन को लगा इस रेलवे स्टेशन में काम करने वाला कोई बचा ही नहीं है, तब उन्हें इस रेलवे स्टेशन को पूरी तरह बंद करना पड़ा। सोचने वाली बात थी, आखिर ऐसा क्या वजह था कि वहां कोई भी कर्मचारी काम नहीं करना चाहता था। और जब कभी भी उस रेलवे स्टेशन से ट्रेन गुजरती थी, तब ट्रेन की गति और तेज कर दी जाती थी। मैं बात कर रहा हूँ पुरुलिया से 50 किलोमीटर दूर एक गांव की, जिसका नाम बेगुन कोडार है। और इसी गांव में बेगुन कोडार नाम का एक रेलवे स्टेशन भी है, जिसे एक भूतिया रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक भूतिया रेलवे स्टेशन। और सबसे हैरानी की बात यह है कि रेलवे की रिकॉर्ड में इस रेलवे स्टेशन को बाकायदा एक भूतिया स्टेशन के नाम से दर्ज किया गया। 1962 के वक्त इस रेलवे स्टेशन की शुरुआत हुई थी और इस रेलवे स्टेशन बनने के बाद बेगुन कोडार में रहने वाले लोगों की बहुत बड़ी परेशानी दूर हुई, क्योंकि उन्हें अक्सर ट्रेन पकड़ने के लिए 40 किलोमीटर दूर किसी और रेलवे स्टेशन पर जाना पड़ता था। और जैसे ही इस रेलवे स्टेशन की शुरुआत हुई, गांव के लोग ट्रेन में यात्रा करने के लिए इसी रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल करने लगे। रेलवे स्टेशन बनने के बाद करीब 5 साल तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन 1967 में एक बार एक अजीब घटना देखी गई। 1967 के वक्त इस रेलवे स्टेशन पर मोहन नाम का एक स्टेशन मास्टर को नियुक्त किया गया था, और एक बार उन्होंने देखा कि जैसे ही ट्रेन आई, एक लड़की रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म पर उस ट्रेन के साथ साथ भाग रही थी। हालांकि स्टेशन मास्टर ने इस बात को अनदेखा कर दिया था। अगले ही दिन उन्होंने फिर से उस लड़की को देखा जो ट्रेन के साथ साथ भाग रही थी, और इतनी तेजी से भाग रही थी कि ट्रेन को ही पीछे छोड़ दिया और अब ट्रेन के आगे पटरियों पे भागने लगी थी। और ये नज़ारा स्टेशन मास्टर के लिए कुछ ज्यादा ही हैरान करने वाला था। यहाँ तक कि ट्रेन में बैठे यात्रियों ने भी कहा, जब ये रेलवे स्टेशन आता है तब एक लड़की ट्रेन के साथ साथ भागते हुए देखा जाता है। इतना ही नहीं, कई बार ये लड़की प्लेटफॉर्म पर नाचती भी है और कई बार भागते हुए ट्रेन से आगे निकल जाती है और ट्रेन के सामने पटरियों पर जाके नाचने लगती है और गायब हो जाती है। स्टेशन मास्टर को ये समझ में आ गया था, ये कोई मामूली लड़की नहीं है बल्कि भूत प्रेत है। और इसी डर के मारे स्टेशन मास्टर कुछ दिनों के लिए अपने गाँव चले गए, लेकिन गाँव में जाने के बाद उनकी मौत हो गई। लेकिन जाते जाते ये सारी कहानी गाँव के कुछ लोगों को बताई थी, जिसके वजह से ये बात आग की तरह सारे गांव में फैल गई। इसके कुछ दिनों बाद ही इस रेलवे स्टेशन पर दूसरे कर्मचारी की नियुक्ति की गई और उसने भी ऐसा ही कुछ देखा, और अगले ही दिन उसने एप्लीकेशन दे दी कि मैं इस रेलवे स्टेशन पर काम नहीं करूंगा, मेरी कहीं और नियुक्ति करा दीजिए। फिर तीसरे स्टाफ को इस रेलवे स्टेशन पर भेजा गया और उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया था कि गांव के लोग भी इस रेलवे स्टेशन से खौफ खाने लगे थे और अब कोई भी इस रेलवे स्टेशन पे आना ही नहीं चाहता था। यहाँ तक कि लोग 30 से 40 किलोमीटर दूर जाके ट्रेन पकड़ने लगे थे। अब ये रेलवे स्टेशन भूतिया रेलवे स्टेशन के नाम से मशहूर हो चुका था और ये बात धीरे धीरे कोलकाता तक पहुँच गई।
यहाँ तक कि डिप्टी सीएम सुधीर महतो जो इस इलाके से ताल्लुक रखते थे उनका भी यही कहना है कि इस रेलवे स्टेशन पर भूत है। अब ऐसा हो गया था कि कोई भी कर्मचारी इस रेलवे स्टेशन पर काम करना नहीं चाहता था और इसी वजह से रेलवे के रिकॉर्ड में बाकायदा इस रेलवे स्टेशन को भूतिया करार दे दिया गया था और 1968 में इसे बंद कर दिया गया। 1968 के बाद फिर कभी इस रेलवे स्टेशन में ट्रेन नहीं रुकी। वक्त बीतता गया और 1968 के बाद 2007 का वक्त आ गया था। इस बीच पूरे देश में इस रेलवे स्टेशन को लेकर तरह तरह की कहानियां मशहूर हुई। ये एक ऐसा रेलवे स्टेशन था जिसके बारे में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसे ये नहीं पता होगा। धीरे धीरे इस रेलवे स्टेशन की कहानी पैरानॉर्मल सोसाइटी के कानों में पहुंच गई और वो अपनी पूरी टीम के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी सर्च करने पहुंच गई। जैसे ही उन्होंने इस गाँव में कदम रखा, गाँव वालों ने उन्हें सारी कहानी बताई। गाँव वालों का कहना था कि आज से कई साल पहले एक लड़की की मौत इस रेलवे स्टेशन की पटरियों में हुई थी। ये बात सुनने के बाद भी पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग रात भर उसी रेलवे स्टेशन पर वक्त गुजारे, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वक्त बीतता गया और 2009 में ममता बनर्जी बंगाल की रेलवे मिनिस्टर बन गई। उसके बाद इस रेलवे स्टेशन की कहानी उनके कानों तक पहुंची। हालांकि इस घटना को काफ़ी लंबा अरसा बीत चुका था, इसीलिए अब गांव वालों की तरफ से कई अर्जियां आ रही थी जिसमें उनका कहना था इस रेलवे स्टेशन को अब चालू कर दिया जाए क्योंकि ट्रेन पकड़ने के लिए गाँव से लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। ममता बनर्जी ने साइंटिस्टों की मदद से सारे तथ्यों को खंगाला और आखिरकार 9 सितंबर 2009 को इस रेलवे स्टेशन को खोल दिया गया, लेकिन शर्त रखी गई 5 बजे के बाद इस रेलवे स्टेशन पर कोई भी ट्रेन नहीं रुकेगी क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 5 बजे के बाद उस लड़की की आत्मा इस रेलवे स्टेशन पर दिखाई देती है। आखिर 9 सितंबर 2009 को पूरे 42 साल बाद इस रेलवे स्टेशन पर रांची हटिया एक्सप्रेस रुकती है। जैसे ही ये ट्रेन इस रेलवे स्टेशन पर रुकती है, कुछ लोग डरे सहमे से इस रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं और कुछ लोग चढ़ते हैं। अगले दिन फिर उसी तरह ट्रेन रुकती और फिर चली जाती और अब लोगों को यकीन हो जाता है कि इस रेलवे स्टेशन से अब किसी को कोई खतरा नहीं है। भले ही इस घटना को कई साल बीत चुके हो दोस्तों, लेकिन आज भी बेगुनकोडर का ये रेलवे स्टेशन एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां पर 5 बजे के बाद कोई भी ट्रेन नहीं रुकती है। सारा रेलवे स्टाफ इस रेलवे स्टेशन को छोड़कर 5 बजने से पहले ही चला जाता है और 5 बजे के बाद ये रेलवे स्टेशन पूरी तरीके से सुनसान हो जाता है। ये थी कहानी बेगुनकोडा रेलवे स्टेशन की, जो एक असलियत है जिसे आज की सीएम ममता बनर्जी ने खुद इन्वेस्टिगेट किया था। सो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और अगर आप लोग इस टाइप का वीडियो देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।